चीन में बड़ी आर्थिक मंदी से टेंशन दिख रहा है। क्रैश होने की कगार पर चीनी प्रॉपर्टी बाजार, बहुत बड़ा झटका चीन के लिए। चीन में युवा बेरोजगारी दर में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। चीन में निवेश और निर्यात में भी कमी आई है, यानी चीन का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, चीन का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। चीन के लिए एक बहुत भारी आर्थिक विषमता की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। वहां पर जो बेरोजगारी दर है, युवा बेरोजगारी दर, वो लगातार बढ़ रही है। चीन के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति आर्थिक मोर्चे पर, चीन के लिए ये बहुत दबाव वाली स्थिति देखने को मिल रही है। डिटेल में आपको बताएंगे चीन में कहां कहां दबाव देखने को मिल रहा है आर्थिक तौर पर। आपको बताते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था कैसे जर्जर होती जा रही है, ड्रैगन ध्वस्त हो रहा है। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहली बड़ी बात, धीमी आर्थिक गति है चीन के भीतर। दूसरी बड़ी बात, उच्च युवा बेरोजगारी दर, यानी जो यूथ है वहां पर ज्यादा बेरोजगार है। तीसरी बड़ी बात, प्रॉपर्टी बाजार में मंदी दिखाई दे रही है। चौथी बड़ी बात, निवेश में तेजी से गिरावट आ रही है। पांचवी बड़ी बात, यूएस को निर्यात में 25% कमी देखने को मिली है। अब इसका असर क्या होगा? चीन अगर आर्थिक मोर्चे पर पिट रहा है तो इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील समेत कई अफ्रीकी देश प्रभावित होंगे। विकासशील देशों के लिए सबसे ज्यादा गंभीर समस्या होगी। उधार लेने वाले 150 से ज्यादा देशों में प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। चीन के प्रॉपर्टी बाजार में 2008 जैसी मंदी की आशंका भी जताई जा रही, जब सब कुछ खत्म हो गया था। चीन के सबसे बड़ी प्रॉपर्टी फर्म CEG डूब सकती है। दुनिया में चीन सामरिक लिहाज से कमजोर पड़ जाएगा। वहीं एप्पल, बर्बेरी जैसी कई MNC कंपनियों को बहुत तगड़ा नुकसान होगा।